जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, आज आपको हम 108 श्वासों का रहस्य बताएंगे, जिसको सुन करके आप अचंभित हो जाएंगे। बंधु, ये तो सभी जानते हैं कि श्वासों के अंदर अपार रहस्य छुपे हुए हैं, जिनके बारे में पूरा बताया ही नहीं जा सकता है। श्वास से ही हमारा जीवन है, चाहे राजा हो या भिखारी हो, कोई भी हो, हर एक किसी के अंदर श्वासों का ही खजाना है। लेकिन इस खजाने को कोई कोई लोग जानते हैं। पहले हम आपको ये बता दें, हमारी जो श्वासें हैं ये चल रही हैं, ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि श्वास की हर प्रक्रिया हर समय बदलती रहती है। हम सोते हैं, श्वास की अलग प्रक्रिया होती है, जागते हैं अलग प्रक्रिया होती है, खाते हैं अलग होती है, हम क्रोध करते हैं अलग होती है, हम किसी से प्रेम करते हैं उसकी प्रक्रिया अलग होती है। श्वासों की जो प्रक्रिया है वो हर समय बदलती रहती है। लेकिन हमारे संत समझा रहे हैं कि 108 श्वासों का अगर आपने रहस्य समझ लिया तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि श्वास ही सर्वोपरि है। श्वास को समझना ही सर्वोत्तम है, बाकी कुछ उत्तम नहीं है। क्योंकि अगर श्वास ना हो तो इस संसार में चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, किसी का भी जीवन नहीं है। तो हमें श्वासों के रहस्य को जानना ही होगा, और रहस्य को जान करके हमें वह कार्य करना ही होगा जिससे हमें और कुछ न करना पड़े, केवल हमें श्वासों के रहस्य का पता लगने के बाद में वह प्रक्रिया श्वासों की अपने आप हो रही है, लेकिन हमें उसके साथ जुड़ना है। कैसे जुड़ना है बंधुओं, यही प्रश्न इतना अनिवार्य है कि इसको जानने के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा अनंत काल से प्रयास कर रहे हैं, और जो जुड़ जाते हैं वह उस आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जिस आनंद के बारे में यह वाणी बता ही नहीं सकती है। क्योंकि सुख को बताया जा सकता है, दुख को बताया जा सकता है, कुछ अनुभवों को भी बताया जा सकता है, लेकिन आनंद एक ऐसी स्थिति है उसको बताया नहीं जा सकता। तो परमात्मा क्या है, वह आनंद ही है। तो बंधुओं, उस आनंद को हम केवल श्वासों के रहस्य से जान सकते हैं। पहले हम आपको यह बता दें कि 108 श्वासों का जो रहस्य है वह है क्या है। देखिए, 108 श्वासों का मतलब है 8+1, 8 को 1 से प्लस करते हैं तो 9 हो जाते हैं, और 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, इसलिए 108 को बहुत महत्व दिया गया है। और आप यह भी जानते हैं कि जो हम माला फेरते हैं, माला से जो लोग जप करते हैं, जो ध्यान करते हैं, भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, उसके अंदर भी 108 मन के होते हैं। तो ये माला तो हाथ से हमें चलानी पड़ती है, लेकिन एक माला ऐसी भी है जो अपने आप चल रही है, उसको श्वासों की माला कहते हैं। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाए वृथा उमर बिहात, और निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हंसा सोहंग सोहंग हंसा,
बार बार उल्टा उल्टा और सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मल ठहरा। जो योगी जन जपे निरंतर बैठ सदा प्रभात, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे फिर जन्म नहीं आत। तो बंधुओं, ये माला जो श्वासों की 108 श्वासों की जो हम आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, यह माला अगर आप सुबह शाम प्रतिदिन 108 जप कर लें श्वासों की माला का, तो आपको वह मिलेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। केवल श्वासों की माला आप 108 जप करें, 108 जप से ही आपके जो बंद दरवाजे हैं वह खुल जाएंगे। आपका जो मन है जो चंचलता में दौड़ता रहता है वह ठहरने लगेगा, आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। लेकिन केवल सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं, बोलने से नहीं, करने से होगा। आप 108 श्वासों का ये रहस्य है, आप केवल इसको इतना ही समझ लें कि आपने 108 श्वास सुबह, 108 श्वास शाम को, केवल एक एक माला, माला हाथ से नहीं फेरनी है, आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि 108 श्वास आप कितनी देर में ले सकते हैं। तो आप अलार्म लगा लें और एक बार में, दो बार में, चार बार में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने समय में 108 श्वासों का हम जप करते हैं, यानी कि मन से हम श्वास को देखते हैं। यह 108 श्वासों का रहस्य है जो बहुत गुप्त है, और उससे भी अगर आप ज़्यादा करेंगे फिर तो सोने में सुहागा, ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है। संतों ने केवल 108 श्वासों का रहस्य समझाया। कम से कम 108 श्वासों का आप ध्यान करें सुबह और शाम को, और जैसा हमने बताया अंदाज़ा कर लें कि इतने समय में 108 श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ऐसे ही सुबह करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो जब आपको समय लगे सुबह करें और शाम को करें। आप एक महीने के अंदर देखेंगे आपके अंदर कितने बदलाव होंगे, इतने बदलाव होने शुरू हो जाएंगे कि आप अचंभित रह जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बंधुओं, ये हमने जो रहस्य बताया, ये संतों का बताया हुआ है, इस पर गौर फरमाइए और इसको अपने जीवन में आज से ही उतार लीजिए, तो समझ लो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा और धीरे धीरे